त्रिकोणमिति अनुपात पता करना। हमने देखा कि सभी छह त्रिकोणमिति अनुपात एक दूसरे से संबंधित है। हम यह भी देख सकते हैं कि यदि कोई एक त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात हो तो हमें उस कोण से बने किसी भी समकोण त्रिभुज की हर दो भुजाओं के अनुपात की जानकारी प्राप्त हो जाती है। ऐसा हम पाइथागोरस प्रमेय के उपयोग से कर सकते हैं। एक त्रिकोणमिति अनुपात से सभी शेष अनुपात मालूम कर सकते हैं। उदाहरण एक, त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण Q समकोण है तथा कोण R बराबर थीटा। हमें साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है। क्या इससे हम बाकी अनुपात ज्ञात कर सकते हैं? यहाँ एक त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज के रूप में दिया है जिसमें Q समकोण है और एक कोण R थीटा के बराबर है। इसमें एक त्रिकोणमिति अनुपात साइन थीटा का मान दिया हुआ है 3/5 और बाकी त्रिकोणमिति अनुपात हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करें? जैसे जो त्रिभुज हमको दिया है वो PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हम त्रिभुज PQR में जान रहे हैं कि कोण Q 90 अंश का है और कोण R इसका थीटा है। इसमें हमको और दिया है कि साइन थीटा बराबर 3/5 और शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने हैं। शेष त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब है कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। तो एक अनुपात दिए होने पर शेष अन्य त्रिकोणमिति अनुपात यदि हम ज्ञात करना चाहते हैं तो हम कैसे ज्ञात करें जबकि हमको एक समकोण त्रिभुज दिया गया हो। त्रिभुज PQR में कोण थीटा के सामने की भुजा PQ सम्मुख भुजा है और QR भुजा आधार भुजा तथा PR भुजा को हम कर्ण भुजा कहेंगे। इस तरह से त्रिभुज PQR में इनकी तीनों भुजाओं का नामकरण हमने कर लिया। अब हम ये देखें कि साइन थीटा को इनमें से किन भुजाओं के अनुपात के रूप में हम लिखते हैं, क्योंकि साइन थीटा का ही अनुपात हमको पता है कि साइन थीटा 3/5 है। तो हमें यह जानने की जरूरत होगी कि ये किन दो भुजाओं के अनुपात को प्रदर्शित कर रहा है। तो हम ये जानते हैं कि साइन थीटा सम्मुख भुजा और कर्ण भुजा का अनुपात होता है। इस आधार पर हम ये जान पाते हैं कि साइन थीटा को हम यहाँ सम्मुख भुजा और कर्ण भुजा के रूप में लिखे हैं और यहाँ त्रिभुज में हम PQ और PR के रूप में उसे देख पा रहे हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं PQ बटा PR। दिया है हमको साइन थीटा बराबर 3/5। इसका अर्थ ये हुआ कि PQ बटा PR जो है वो 3/5 के बराबर हुआ। यदि हम इसको इस रूप में लिखें साइन थीटा बराबर 3x/5x तो भी ये ठीक होगा, क्योंकि 3/5 जो लिखा गया है उसमें 3 और 5 में जो अनुपात है वही अनुपात यहाँ पर 3x और 5x में है। इस आधार पर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि PQ जो है वो 3x के बराबर है और PR 5x के बराबर है। यदि हम त्रिभुज PQR में देखें तो हमें PQ 3x पता हो गया, PR 5x पता हो गया, लेकिन QR हम नहीं जान पा रहे हैं। तो QR जानना हमें जरूरी है कि यदि QR हम जान लें तो तीनों भुजाओं के मान हमें पता हो जाएंगे और हम ये जानते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप का पता होना आवश्यक होता है। तो यदि तीसरी भुजा माप हमको पता हो जाती है तो हम अन्य त्रिकोणमिति अनुपातों को भी ज्ञात कर सकते हैं। इसकी तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए
हमको इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से हम भुजाओं में संबंध देखते हैं। बड़ी भुजा का वर्ग दो अन्य छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसका अर्थ यहाँ बड़ी भुजा पी आर है, इसको हम लिखेंगे पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग धन क्यू आर का वर्ग। पी आर हमें पता है, पी आर है 5x, तो 5x का वर्ग हो जाएगा ये, बराबर पी क्यू सम्मुख भुजा को बता रहा है और सम्मुख भुजा है 3x, तो 3x का वर्ग, और क्यू आर हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ हम क्यू आर वर्ग लिखेंगे। ये ज्ञात करना है, और ये चीज़ें हम यदि इधर पक्षांतरित करते हैं तो क्यू आर का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 5x का वर्ग है, इसका मतलब 5 का वर्ग करेंगे अर्थात 5 के गुणा 5 करेंगे तो मिलेगा हमको 25, और x का वर्ग करेंगे 1x का वर्ग। अभी पक्षांतरित करने के पहले हम इसको कोष्टक को सरल कर रहे हैं, 3 का वर्ग करेंगे तो ये 9, x का वर्ग करेंगे 1x का वर्ग धन क्यू आर का वर्ग। 9x वर्ग को हम बाईं ओर ले आते हैं पक्षांतरित करके, तो 25x का वर्ग ऋण 9x का वर्ग बराबर क्यू आर का वर्ग। 25 में से 9 घटा लेते हैं तो ये हुआ 16x का वर्ग। हमने 25x का वर्ग ऋण 9x वर्ग का हल प्राप्त किया 16x का वर्ग, क्योंकि x वर्ग दोनों में कॉमन हो जाएगा और 25 में से 9 घटाया तो 16 आ जाएगा क्यू आर का वर्ग। यहाँ हम क्यू आर चाहते हैं और यहाँ क्यू आर का वर्ग दिया हुआ है, तो कैसे ज्ञात करें इसको? तो यदि हम इस दोनों पक्षों का वर्गमूल यदि हम ले लेते हैं तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर इसको ऐसे हम लिख सकेंगे 16x का वर्ग इसका वर्गमूल बराबर क्यू आर वर्ग इसका वर्गमूल। 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, x वर्ग का वर्गमूल x, और क्यू आर का वर्ग है उसका वर्गमूल लेंगे तो हमको मिलेगा क्यू आर। इस प्रकार क्यू आर बराबर हमको मिलता है 4x, जो कि इसकी तीसरी भुजा आधार भुजा को प्रदर्शित करता है। अब इस समकोण त्रिभुज में हमको तीनों भुजाओं की माप पता है, और इससे हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को अब ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हमने दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर की तीनों भुजाएं ज्ञात कर ली है। हम इसे इस चित्र में प्रदर्शित करते हैं। पी क्यू सम्मुख भुजा 3x, आधार भुजा 4x और कर्ण भुजा 5x है। अब इसकी सहायता से हम शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं कि cos थीटा आधार भुजा और कर्ण भुजा का अनुपात होता है, तो ये आधार भुजा बटा कर्ण भुजा, इसके मान हम यहाँ चित्र से देखेंगे। तो आधार भुजा है 4x और कर्ण भुजा है 5x। इसको हम लिख सकते हैं अनुपात, सरल अनुपात करके 4/5। टेन थीटा बराबर होता है सम्मुख भुजा बटा आधार भुजा, तो इसे हम लिखें सम्मुख भुजा बटा आधार भुजा। इसको भी हम चित्र से देख सकते हैं इनके मान, और इनके मान यहाँ पर हम अब लिख देते हैं। सम्मुख भुजा 3x है, आधार भुजा
4x है, और सरल करने पर इसका सरल अनुपात जो होगा वो 3/4 हो जाएगा। sec थीटा ये होता है cos थीटा का व्युत्क्रम। तो cos थीटा को हमने लिखा है आधार भुजा बटा कर्ण भुजा, तो sec थीटा को हम लिख लेते हैं कर्ण भुजा बटा आधार भुजा। और फिर हम इनके मान चित्र से देख सकते हैं, कर्ण भुजा है 5x, आधार भुजा है 4x, और इनका सरल अनुपात फिर हो जाएगा 5/4। cosec थीटा ये होता है sin थीटा का व्युत्क्रम, और sin थीटा हमने देखा था सम्मुख भुजा और कर्ण भुजा का अनुपात था, तो इसको हम उसके व्युत्क्रम के तौर पे लिखेंगे। तो कर्ण भुजा बटा सम्मुख भुजा, फिर इसे हम चित्र से देख सकते हैं कि कर्ण भुजा का मान है 5x और सम्मुख भुजा का मान है 3x। सरल अनुपात होगा इसका 5/3। इसी प्रकार cot थीटा tan थीटा का व्युत्क्रम होता है। tan थीटा हमने लिखा है सम्मुख भुजा बटा आधार भुजा, तो cot थीटा हो जाएगा आधार भुजा बटा सम्मुख भुजा। आधार भुजा है 4x और सम्मुख भुजा है 3x। इस प्रकार इसका सरल अनुपात हुआ 4/3। अब आप देख सक रहे हैं कि हमने शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात भी ज्ञात कर लिए। इस प्रकार से एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिए होने पर हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं।